पूरे तीन रंग हैं, हरा सफेद और एक और केसरिया रंग। ये तीन कलर है झंडे में। ये झंडे को सबसे पहले बनाया किसने था? कि किसी एक ने बनाया होगा तभी तो ये लागू हुआ होगा। तो ये झंडे को बनाने वाली लेडी थी एक औरत, और वो भी मुसलमान थी, जिनका नाम सुरैया था। सुरैया, उन्होंने इस झंडे को इस तरह, ये शक्ल झंडे की अता की जो आज हमारे भारत का गौरव बना हुआ है। प्यारे दोस्तों, साथियों, बच्चों, सबसे पहले जैसा कि हमारे मोमिनीन का और बुजुर्गान दीन का तरीका है, उसे अपनाते हुए मैं चंद आयात खुतबे की और दुरूद पाक पढ़ करके अपनी बात का आगाज करूंगा। और आज वो बातें आप हजरात के सामने पेश करूंगा जो तारीख के पर्दे से गायब हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलाम अला इबादिही लजीन सफा मा बाद व अऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना दीना इंदल्लाहि अलइस्लाम सदकल्लाहु मौलानल अजीम व सदक रसूलुहु नबीयुन अमीनुल करीम व नहनु अला दालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवरा शाह करीम दस्तगीर अशफा हुरमत रूहे पैगंबर एक नजर कुलसु इमाम ऐ शफी जमाना जमाने मदद नुमा तन्हाए बस नाजे के लिए गरम कुशा। देखिए हजरात, मौजूद साहब को बैठा लो। देखो आप, सबसे पहले तो ये समझें कि थोड़ी देर, तकरीबन 10-15-20 मिनट जो भी मैं आप हजरात को बताऊं उसे गौर से सुने और बैठ जाए मौजूद साहब। और बीच में जो तो हमारे मौजूद साहब से आप कोई आए तो आने वाले को आप इशारा करके बैठा दें, ठीक है? बीच में इशारा कर दें। ये इंशाल्लाह ताला आज का ये प्रोग्राम हमारे इस मदरसे के हवाले से, वजीरगंज के हवाले से नेट पर डाला जाएगा। और वो इसलिए कि लोगों में ये अफवाहें हैं कि मदरसों में कहीं भी ना तो 15 अगस्त मनाई जाती है ना 26 जनवरी। मैं एक वीडियो सुन रहा था, उसमें कहा कि कोई एक मदरसा दिखा दो जिसमें मनाया जाता हो। तो किसी ने पलट के कहा कि कोई एक मदरसा दिखा दो जिसमें ना मनाया जाता हो। बहरहाल